प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन से अलग सबसे पहले अपनी आधिकारिक द्विपक्षीय मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अप्रैल 27 और 28 को हुई अनौपचारिक वुहान शिखर सम्मेलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक क्षेत्र में वुहान बैठक ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। वुहान में हमारी इन्फॉर्मल मीटिंग के बाद हमारे संबंधों में एक नई गति और साई को देखने को मिला है। हमारे बीच स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में बहुत सुधार हुआ है। इससे एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता भी दिखाई गई है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन हमें अपनी आकांक्षाओं को और अधिक बढ़ाना चाहिए। हमने अपने सहयोग को और अधिक गहन करना चाहिए और नए क्षेत्रों में भी सहयोग की दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया। वुहान सम्मेलन के बाद ये दोनों नेताओं के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों देश रणनीतिक विकास और सामंजस्य को बढ़ाने की ओर तेजी के साथ बढ़ेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति शी को जन्मदिन की बधाई भी दी। भारत में चुनाव नतीजे के बाद आपका मुझे संदेश मिला और आज दोबारा आपने मुझे बधाई दी, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा आपने कहा, आपके साथ आने वाले दिनों में मिलकर के बहुत सारे विषयों में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों को एक प्रकार से समान रूप से कार्यकाल मिला है और अधिक काम करने का। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात में दोनों ही देशों ने व्यापार घाटे को लेकर के कदम आगे बढ़ाए। शी जिनपिंग ने व्यापार, कृषि उत्पादों जैसे बासमती चावल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे भारतीय उत्पादों को आयात करने के नियमों को सरल करने के संकेत भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उत्पादों की चीन के बाजारों में पहुंच बढ़ने की उम्मीद जताई। साथ ही साल 2020 में दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे होंगे। ऐसे में दोनों ही देश 35-35 कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। रणनीतिक संबंधों को रफ्तार देते हुए दोनों ही नेताओं ने सीमा निर्धारण मामलों को सुलझाने पर जोर दिया। इसके अलावा भारत चीन के इस मुलाकात में पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर इन फैक्ट सेड दैट वी हैव अ कंसिस्टेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। वी डिस्कस ऑल इश्यूज थ्रू ए बायलैटरल मैकेनिज्म एंड वी लुक फॉर पीसफुल सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशन। वी आर कमिटेड टू दिस प्रोसेस। The Prime Minister recalled that he has made efforts in this regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism and that at this stage we did not see this as happening as yet and that therefore we expect Pakistan to take concrete action. भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव और दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की यूं तो ये पहली मुलाकात रही, लेकिन पिछले एक साल में दोनों नेताओं के बीच बहुपक्षीय सम्मेलनों के इतर भी अहम बैठकें हुई हैं। दिसंबर 2018 में ही G20 सम्मेलन अर्जेंटीना में भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी।